Hey there, what's going on YouTube? Welcome to the brand new video on the channel. मेरा नाम है दोमेंद्र। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2020 के 20 एप्लीकेशंस बताने वाला हूँ जिनको आपको 2020 खत्म होने के पहले इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर बात करें तो उसका नाम है ब्रोमाइड ब्राउजर। यार ये जो ब्राउजर है सेम एकदम गूगल क्रोम जैसा है, इसमें आपको कोई भी टाइप का चेंजेस देखने को नहीं मिलता, बट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स ये देखने को मिलते हैं कि ये जो है बिल्कुल भी प्राइवेसी इशू नहीं देता आपको, यानी कि आपका जो डेटा है वो इसमें अच्छे खासे तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। और आपको यह एकदम सेम जो फीचर क्रोम में मिलता है इसमें भी वही फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड ब्लॉक एडा। सो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी एड्स आते हैं जो कि आपको अनपेड एप्स में देखने को मिलते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपली एक्टिवेट करके कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू दबा के ओके कंटिन्यू, देन ये जो है ब्लॉक एडा एक्टिवेट हो जाएगा जिससे आपको जो एड्स और जितने भी ट्रैकर सब मतलब डिसेबल हो जाते हैं इससे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड लिट वॉल्स। इस एप्लीकेशन में जो है आपको भर के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो है मिनिमलिस्टिक कैटेगरी यार मेरी फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि इसके वॉलपेपर बहुत ही ज्यादा सही लगते हैं यार मेरे को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड स्पॉटी स्टैट्स। इस एप्लीकेशन का यूज करके आप जो अपने जो भी स्पॉटिफाई में जो भी गाना सुनते हैं कितना कैसे और मतलब किस टाइम तक के कौन सा गाना आप सुन रहे हैं सभी का ये रिकॉर्ड जो है आपको शो करता है। जैसे कि मैं कुछ मिनट पहले ये सब गाने सुन रहा था, तो ये सब इस चीज का रिकॉर्ड देखने के लिए आपको जो कौन सा गाना पसंद है, कौन सा गाना ट्रेंडिंग में है, ये सभी चीजें इस एप्लीकेशन से आपको पता चल जाएंगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज वन ऑफ द कूल एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेकर। इस एप्लीकेशन का यूज करके आप जो है अपने किसी भी एप्लीकेशन का मतलब इन द सेंस की कॉन्टेक्ट का हो गया, फोल्डर के फाइल्स का हो गया, हर चीज का आप शॉर्टकट बना सकते हैं, अपने होम स्क्रिप्ट में रख सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए कॉन्टेक्ट का अगर मैं बनाना चाहूँ शॉर्टकट, तो सिंपली मैं सर्च करूंगा, देन यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन क्रिएट शॉर्टकट क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे ऐसे प्रेस करके यहाँ पे से ऐसे छोड़ दूंगा मैं। सो सिंपली अगर उसको ओपन करोगे तो सीधा रोहन का निकल जाएगा कॉन्टेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड लॉन्चर। यानी कि यार आपको अगर पिक्सल टाइप का जो लॉन्चर पसंद है तो ये जो है वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर है। इसको सिंपली क्लिक करो, देन आपका पूरा इंटरफेस जो है गूगल पिक्सल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड वेवलेट। अगर आपको जो है इस कस्टम इक्वलाइजेशन पसंद है किसी भी गाने में तो आपके लिए ये एप्लीकेशन वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन साबित होगा। मेरा रियलमी का ईयरफोन कनेक्टेड है अभी इसमें, जैसे कि अगर मैं मान लो जाए कोई भी इक्वलाइजेशन अगर सेट करना चाहता हूँ सिंपली ऑन करके मैं इसमें सेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, देन यहाँ पे आपको गेन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। सो इक्वलाइजेशन के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव। जैसे कि यार इसको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि आपको यहाँ पे जो है क्रिएटिव चीजें देखने को मिलेंगी आपके होम स्क्रीन के लिए, आपके फोन के लिए। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलपेपर्स, रिंगटोन और होम स्क्रीन के आइडियाज देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैं सिंपली क्लिक करूं इस वाले को तो यहाँ पे आपको एक वॉलपेपर दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड हो जाएगा, आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे कि ये सेव हो गया मेरे गैलरी में, देन सिंपली अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के फोन कस्टमाइजेशन के जो टेक्निक्स है, जो भी मतलब जो भी नए आइडियाज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस टाइप का ही एप्लीकेशन, अगर आप चाहते हैं नए आइडियाज के साथ अपडेटेड रहना अपने होम स्क्रीन के लिए, तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई करिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड टाइड। इस एप्लीकेशन में यार आपको एक सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। अगर आप जो है पेड वर्जन यूज करते हैं तो आपको डिफरेंट काइंड के एम्बियंस साउंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको अभी प्ले करता हूं तो यहां पे मेरे कान में जो है एक लहर की आवाज सुनाई देने लग जाती है मेरे को। और अगर इसको आप चाहे तो रेन का और फायर का, स्ट्रॉम का, अलग अलग चीज़ का यूज़ करके आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको प्ले पॉज का जो है बटन देखने को मिल जाता है। और अगर आप किसी भी फोकस, स्लीप, नैप, रेत अगर कुछ लेना चाहते हैं तो सिंपली इसको ऑन करके, जैसे कि स्लीप का है तो यहाँ पे दबाओगे, फिर ये आपका जो है फ़ोन को उतने टाइम एकदम डिम कर देगा। सो इस टाइप का है ये एप्लीकेशन। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज़ कॉल्ड बिटलिट। यार ये जो एप्लीकेशन है सेम क्रिएटिव टाइप का ही है, लेकिन यार इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप के आइडियाज और कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं अगर आप जो है क्रिएटिव यूज नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड सुपर स्टेटस बार। इस एप्लीकेशन का यूज करके आप जो है अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट काइंड से। जैसे कि मैंने एक कस्टमाइजेशन अप्लाई किया अपने स्टेटस बार में, अगर मैं इसको सिंपली स्लाइड करता हूं तो मेरा डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस वो कम ज्यादा होने लग जाता है। अगर मैं डबल टैप करूंगा अपने स्टेटस बार को तो ये स्प्लिट स्क्रीन मोड में ऑन हो जाता है।
है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं आप इसको यूज कर सकते हैं सुपर स्टेटस बार का यूज करके। तो सिंपली यार इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई जरूर करना, आपको अगर मजा आ रहा है यार वीडियो देखने में तो लाइक कर देना। सो लेट्स मूव टू द अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड एटम। यार इस जो एप्लीकेशन का यूज करके आप जो है अपने हैबिट्स यानी कि 21 डेज में अपन लोग का हैबिट जो क्रिएट होता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको जो है अपना डेली रूटीन वगैरह वगैरह सब चीज फीड करना पड़ता है, देन ये जो एप्लीकेशन है आपके यूज करने के लिए एकदम परफेक्टली चालू हो जाता है। सो ये जो एप्लीकेशन है आपसे कुछ इनपुट मांगेगा, आपका रिमाइंडर जो भी हैबिट आपको चेंज करना है, देन ये वर्क करने लग जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आपको अपना हैबिट चेंज करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड लिक्विड टीयर डाउन। अगर आपको जो है एकदम स्टाइलिश टाइप का अपना बैटरी चार्जिंग जो परसेंटेज है आपको जो दिखाना है तो आप ये एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इससे आपके जो कैमरा मॉड्यूल है उसका भी एक AOD टाइप का डिस्प्ले आपको दिखाई देने लग जाता है आपको होम स्क्रीन में। सो इस टाइप का जो है आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस एप्लीकेशन में। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड कोलरेटिव। अगर आपको मेरे वॉलपेपर टाइप का कुछ कस्टम डिजाइंड वॉलपेपर चाहिए वो भी एकदम हाई क्वालिटी में तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड डीप स्ट्रेस। यार ये जो एप्लीकेशन है वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी कलेक्शन या आर्टिकल कलेक्शन एप्लीकेशन मान सकते हैं। इसका पेड वर्जन भी आता है लेकिन मैं जो है फ्री वर्जन यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि यार फ्री वर्जन में ही इतने अच्छी चीजें अनलॉक्ड है कि आपको पेड वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें आप जो है सिंपली कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करो, ओपन करो और पढ़ना स्टार्ट करो, उससे रिलेटेड जो है नीचे में और कॉन्टेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है यार एकदम शॉर्ट आर्टिकल देता है आपको, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अगर आप इसको एक बार यूज करने स्टार्ट कर देंगे देन आप इसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड एक्सेस डॉट्स। अगर आप जो है iOS 14 के सेफ्टी फीचर्स एंड्रॉइड में चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इसको एनेबल करने से आपको जो है कोने में एक ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर का है आपको जो है डॉट देखने को मिल जाता है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड विजुअल टाइमर। अगर आप जो है फंकी टाइप के क्लॉक्स चाहते हैं अपने फोन में तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर से कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो एक घूम रही है घड़ी उसका कलर चेंज कर सकते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं अगर आपको प्रीसेट सेट करके रखने हैं तो। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड म्यूजिकोलेट। अगर आपको जो है फ्री कोई एकदम बेस्ट म्यूजिक प्लेयर चाहिए तो ये जो वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्लेयर जो कि मैंने आज तक के यूज किया है, मैं हमेशा अगर ऑफलाइन म्यूजिक सुनना है तो इसी को प्रेफरेंस देता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के इक्वलाइजर्स भी देखने को मिल जाते हैं अगर डिफरेंट टाइप की स्पीकर्स आप यूज कर रहे हैं, देन एकदम सिंपल सा UI है, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्लेयर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड अटेंडेंस मैनेजर। अगर आपको जो है अपना अटेंडेंस मेंटेन करके रखना है एक निश्चित गोल के हिसाब से, जैसे कि मेरा गोल है 50% और मेरा ओवरऑल अटेंडेंस है 46.7%, तो आप इस एप्लीकेशन का जो है कतई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आपको अटेंडेंस मैनेज करना है यार तो प्लीज इस अटेंडेंस मैनेजर को एक बार तो ट्राई करके जरूर देखना। मैं ये एप्लीकेशन आप लोग को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में मेरे अटेंडेंस के लगने वाले थे और मैंने इसी एप्लीकेशन का यूज करके अपने अटेंडेंस को 47% तक के लाया है। सो लेट्स मूव अवर नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड रेशियो। सो ये जो लॉन्चर है वन ऑफ द बेस्ट लॉन्चर है मैंने आज तक के जितना भी यूज किया है अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि यार ये एकदम मिनिमलिस्टिक तरीके का लॉन्चर है। अगर आप जो है इसको सेटअप करते हैं तो आपको किसी भी टाइप से कोई एकदम क्लटर टाइप का UI देखने को नहीं मिलता, एकदम क्लीन एंड सिंपल UI है इसका। अगर आप जो है इसको स्लाइड एंड होल्ड करते हैं तो ये सिंपल आपके जितने भी एप्लीकेशन है उसको ओपन कर देगा। देन यहाँ पे आपको मार्क करने का भी ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से एप्लीकेशन को मार्क कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन में एकदम फुल ऑन वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।